हेलो एवरीवन वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस आज के वीडियो का टॉपिक है लास्ट सिक्स मंथ्स करंट अफेयर्स तो इस वीडियो में हम जून टू नवंबर के इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं सो फ्रेंड्स ये एक मैराथन वीडियो रहेगी जिसमें हम सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन देखिए विच कंट्री हैज़ बिकम द नाइन्टी फिफ्थ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलायंस तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेशनल सोलर एलायंस का जो नाइन्टी फिफ्थ देखिए मेंबर कंट्री है वो कौन सा बना है तो सही आंसर है यहाँ पे चिले कंट्री अच्छा इंटरनेशनल सोलर एलाइंस की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई याद रख लीजिएगा थर्टीथ नवम्बर टू को जो है इसकी फॉर्मेशन हुई और फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लेते हैं एग्जाम में क्योंकि इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे लोकेटेड है गुरुग्राम इंडिया में अगला क्वेश्चन देखिए यूनेस्को हैज़ अनाउंस्ड विच सिटी विल बी मेड इंडियाज़ फर्स्ट लिटरेरी सिटी तो यूनेस्को ने अभी किस इंडियन सिटी को जो है भारत का जो पहला लिटरेरी शहर है साहित्य शहर है किसे बनाने की घोषणा की है तो ये कौन सा शहर है केरल का कोची फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं एक बार यूनेस्को की तो इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक बार ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई 16 नवंबर 1945 को इसकी फॉर्मेशन हुई और यूनेस्को का अगर हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द मेन्स फीफा वर्ल्ड कप ट्वेंटी तो जो फीफा वर्ल्ड कप देखिए दो में होगा मेंस का उसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी तो इसे होस्ट करेगी सऊदी अरेबिया नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वॉन द नोबल प्राइज 2023 इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार किसने जीता है तो ये जीता है अमेरिका की क्लोडिया गोल्डन नेम यहाँ एक इम्पॉर्टेंट खास बात ध्यान रखने की ये है अगर हम बात करें देखिए नोबल प्राइज़ की तो नोबल प्राइज़ की स्टार्टिंग हुई थी नाइनटीन जीरो वन में लेकिन उस टाइम पर नोबल प्राइज़ सिर्फ पाँच फील्ड में दिया जाता था फिजिक्स केमेस्ट्री पीस हो गया आपका लिटरेचर एंड मेडिसिन या जिसे आप फिजोलॉजी भी कहते हैं तो अब अगर इकोनॉमिक्स की बात करें जो लास्ट इसका सिक्स फील्ड था इसकी शुरुआत कब हुई ये दिया जाने लगा इसकी शुरुआत हुई थी देखिए 1968 में और सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स में नोबल प्राइज दिया गया था 1969 में ये हमको इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है फलस्तिनियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास हैज स्टार्टेड ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड अगेंस्ट विच कंट्री तो हमास एक फलस्तीन के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऑपरेशन अल फ्लड किस कंट्री के अगेंस्ट शुरू किया है तो ये ऑपरेशन शुरू किया गया इसराइल के अगेंस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रामसर साइट्स तो रामसर साइट्स के कंजर्वेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर जो स्कीम लॉन्च की उस स्कीम को नाम किया दिया अमृत धरोहर योजना अगला क्वेश्चन देखिए विच स्टेट हैज स्टूड फर्स्ट इन द मेडल टेली ऑफ दर्टी सेवेंथ नेशनल गेम्स अभी रिसेंट देखिए जो नेशनल गेम्स हुए इसका वेन्यू याद रखिएगा गोवा में हुए हैं पहली बार और इसके मेडल टेली में जो स्टेट नंबर वन पे रहा वो है महाराष्ट्र महाराष्ट्र ने टोटल मेडल्स जीते तो टू जिसमें है एटी गोल्ड सिक्सटी सिल्वर और सेवेंटी नाइन मेडल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सो रॉ ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ कौन बने द आंसर इज रवि सिन्हा नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज इंडिया रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो रिसेंट जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रही उसमें इंडिया की रैंक कौन सी रही वन ट्वेंटी सेवन इस इंडेक्स में देखिए फर्स्ट पोजिशन हासिल की आइसलैंड ने और इसे इशू किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अगला क्वेश्चन है केरल असेंबली हैज पास्ड अ प्रपोजल टू चेंज द नेम ऑफ केरल स्टेट टू व्हाट तो केरल का देखिए नाम चेंज करना चाहते हैं और बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है आंसर इज केरलम नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान जिसे शॉर्ट में कहते हैं पीएम उषा तो इस अभियान को किस मिनिस्ट्री ने शुरू किया है आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इस टाइम करंट में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है तो उनका नाम याद रखना है धर्मेंद्र प्रधान अगला क्वेश्चन है हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तवा ठीक है याद रखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन द नेम ऑफ लैंडर ऑफ चंद्रयान थ्री इज डैश चंद्रयान थ्री मिशन जो कि मून के साउथ पोल पर देखिए सक्सेसफुली लैंड हुआ इसमें जो लैंडर था उसका नाम क्या था विक्रम और इसमें एक रोवर गया था उसका नाम भी याद रख लीजिएगा प्रज्ञान चंद्रयान थ्री मिशन जो लॉन्च हुआ था ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था और इसमें जो रॉकेट यूज किया गया था वो था एल वी एम थ्री ठीक है रॉकेट का नाम भी फ्रेंड्स पूछ सकती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच कंट्री हैज़ बिकम द नाइन्थ परमानेंट मेंबर ऑफ एस सी ओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो नाइन्थ परमानेंट मेंबर बना है वो कौन सी कंट्री है द आंसर इज ईरान ईरान की बात करते हैं फ्रेंड्स तो ईरान की कैपिटल याद रख लीजिएगा कैपिटल है यहाँ की तेहरान नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ वन द टाइटल ऑफ रग्बी वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो रग्बी वर्ल्ड कप का टाइटल किस टीम ने जीता ये टाइटल चीता साउथ अफ्रीका नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड गंगा डोल्फिन स्टेट एक्वेटिक एनिमल तो किस स्टेट ने जो डॉल्फिन है गंगा डॉल्फिन है उसे अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया द आंसर इज उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के कैपिटल क्या है फ्रेंड्स लखनऊ यहाँ के कैपिटल है योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एंड आनंदी बेन पटेल जो है उत्तर उत्तर प्रदेश की जो है गवर्नर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच एज बिकम द दिक्सटींथ नवरत्न कंपनी ऑफ इंडिया तो इंडिया की जो सोलवी नवरत्न कंपनी बनी उसका नाम है रेड्स लिमिटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल मेस्कॉट क्या है ऑफिशियल मेस्कॉट का नाम है ब्लेज एंड टोंक और क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इस बार 2023 में चल रहा है उसको कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए थे उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता बेस्ट एक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है अल्लू अर्जुन ने और एक और याद रख लीजिएगा बेस्ट एक्ट्रेस की अगर पूछा जाए तो आंसर होगा आलिया भट्ट एंड कृति सेनन नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रिलीज कास्ट बेस्ड सेंसेस डेटा जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला जो इंडिया का देखिए पहला स्टेट बना है वो कौन सा है बिहार स्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट इफको नैनो लिक्विड डी अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट सो so, अमित शाह ने जो है इस प्लांट को कहाँ पे इनोग्रेट किया है आंसर इज गांधीनगर गुजरात में नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में किसने जीता? जीता इस बार जीता है नॉर्वे के जॉन फोसेनी नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एम ओ की पहली महिला महासचिव कौन बनी आंसर सेलेस्टे सोलो नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बिल्ट एज इंडिया सोलर सिटी भारत की जो पहली सोलर सिटी बनेगी ये है मध्य प्रदेश की सांची सिटी नेक्स्ट क्वेश्चन विच विलेज विल बी डेवलप्ड एज इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज सो इंडिया के पहले कार्बन न्यूट्रल गाँव के रूप में किस विलेज को डेवलप किया जाएगा सो so, इंडिया के जो पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में डेवलप किया जाएगा ये किया जाएगा भिवान्डी तालुका को और ये विलेज कहाँ पे है महाराष्ट्र स्टेट में अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू विद इट्स हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार इंडिया के जो प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं उन्हें किस कंट्री ने अपने हाइएस्ट ऑनर से सम्मानित किया है तो ये हाइएस्ट ऑनर किस कंट्री का है सूरी का नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वॉन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड इन द फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू चौथे जो भी नेशनल वाटर अवार्ड्स हुए थे उसमें बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड किसने जीता उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट ने एंड बेस्ट स्टेट का अवार्ड जीता है मध्य प्रदेश ने नेक्स्ट है देखिए हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021 2021 के लिए गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर जो कि है उत्तर प्रदेश में अगला क्वेश्चन है किस स्टेट ने लॉन्च किया है इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन स्कीम फॉर वुमेन तो महिलाओं के लिए जो इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना है इस योजना को राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया है राजस्थान की जो कैपिटल है फ्रेंड जयपुर इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड है ऑफेंस राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं यहाँ के कालराज मिश्रा नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज़ इंडिया फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट बीन स्टार्टेड भारत की जो पहली देखिए कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है ये शुरू हुआ है कहाँ पे जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स हमारी जो लास्ट सेवन मंथ्स करंट अफेयर जनवरी टू तो जुलाई की ई बुक है इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो फेमस जो लोकमान्य तिलक अवार्ड है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को नेक्स्ट क्वेश्चन विल द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ आई आई टी डेली बी स्टेबिलाईज आई आई टी डेली का जो पहला इंटरनेशनल कैंपस है ये स्थापित किया जाएगा अबूधाबी में नेक्स्ट क्वेश्चन विच यूनियन हैज बिकम द ट्वेंटी फर्स्ट परमानेंट में चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया इंडिया के चेयरमैनशिप में जो जी ट्वेंटी का ट्वेंटी फर्स्ट परमानेंट में बना है कौनसी कौन सा यूनियन है आंसर इज एफ्रीकन यूनियन तो अब जी ट्वेंटी को जी ट्वेंटी वन के नाम से जाएंगे जाना जाएगा पहले भी अगर हम जी ट्वेंटी की बात करती हैं तो इसमें नाइनटीन तो कंट्रीज थी और एक इसमें था यूरोपियन यूनियन एक और यूनियन ऐड हो गया वो कौन सा है एफ्रीकन यूनियन नेक्स्ट क्वेश्चन विश टीम हैज वन द टाइटल ऑफ मेन्स क्रिकेट एशिया कप 2023? तो मेंस क्रिकेट एशिया कप का टाइटल जीता है इंडिया ने और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था इसका वेन्यू याद रखेंगे श्रीलंका एंड पाकिस्तान नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर वर्ल्ड ने वॉज द वुमेंस रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा तो लोकसभा में जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस किया गया वो किस नाम से किया गया तो उसको नाम दिया था नारी शक्ति वंदन एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप हैज़ बीन वॉन बाय द टीम डूरंड कप 2023 का जो टाइटल है ये टाइटल किस टीम ने जीता मोहन बागन एफसी ने और डूरंड कप एक फुटबॉल टूर्नामेंट है यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि इस डूरंड कप का संबंध किस स्पोर्ट से है इस तरह से भी पूछ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स रेलवे बोर्ड की पहली वुमेन चेयरमैन और सीईओ कौन बनी है द आंसर इज जया वर्मा सिन्हा और करेंट में जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है तो याद रखेंगे अश्विनी वैष्णव नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच कंट्री द न्यू रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ सी बी एस ई विल बी ओपनड सो सी बी एस ई का जो नया रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है ये किस कंट्री में खोला जाएगा तो ये खोला जाएगा यूनाइटेड अरब एमीरेट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट तो उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस कौन बनी है जस्टिस ऋतु बाहरी नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया इंडिया के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने उनका नाम है हीरा लाल सामरिया नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन वर्ल्ड टू बी आउट बाई द टाइम आउट रूल इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट तो इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट नियम से आउट होने वाले जो वर्ल्ड के पहले क्रिकेटर बने हैं उनका नाम है एंग्लो एनजलो मैथ्यूज और किस टीम के हैं ये प्लेयर श्रीलंका की ये अगला क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेडल टैली में टॉप किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट द वर्ल्ड फर्स्ट थ्री डी प्रिंटेड टेम्पल इज बींग बिल्ट दुनिया का पहला थ्री डी प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है तो फ्रेंड्स इसे बनाया जा रहा है तेलंगाना स्टेट में नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सो फ्रेंड्स यहाँ पूछा है जीएसआई के जो नए डायरेक्टर जनरल बने उनका नाम क्या है तो सही आंसर है जनार्दन प्रसाद ये ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हैं नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई इसकी फॉर्मेशन हुई फोर्थ मार्च 1851 में और एक और इम्पॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ भी है तो फ्रेंड्स इसका हेड क्वार्टर भी याद रख लीजिएगा कोलकाता वेस्ट बंगाल में नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज स्टार्टेड शक्ति स्मार्ट कार्ड स्कीम फॉर वुमेन महिलाओं के लिए जो शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना है ये शुरू किया है किसने कर्नाटक स्टेट ने नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ वॉन टाइटल ऑफ फीफा अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो फीफा अंडर ट्वेंटी जो वर्ल्ड कप का टाइटल है ये जीता है उरुग्वे की टीम ने और इसका आयोजन किया गया था अर्जेंटीना में नेक्स्ट क्वेश्चन वेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेटेड विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 14 जून को और इसकी थीम याद रखेंगे गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ओफन सो थीम भी एग्जाम में पूछ लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेस्कॉट ऑफ द थर्टी नेशनल गेम्स टू बी हेल्ड इन गोवा गोवा में देखिए जो थर्टी नेशनल गेम्स हुए उसके मेस्कॉट का नाम क्या है आंसर इज मोगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनी हैं तो फिनलैंड कंट्री के जो हैं फ्रेंड्स नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं पेट्री औरबा याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है जो भी नए अपॉइंटमेंट्स होंगे फ्रेंड्स ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और अगर बात करें फिनलैंड की कैपिटल की तो इसकी कैपिटल क्या है हेल की यहाँ की कैपिटल है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन 2023 ट्वेंटी थ्री अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है डॉक्टर टेड्रॉस गेब्रियस को नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन तो मुख्यमंत्री सौर मिशन किसने शुरू किया है तो इस मिशन को शुरू किया है मेघालय गवर्नमेंट ने नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बी हेल्ड इन 2023. तो ट्वेंटी का जो पहला ट्रेडिशनल मेडिकल मेडिसिन ग्लोबल समिट है ये समिट कहाँ पे आयोजित हुआ तो इसका आयोजन किया गया गांधीनगर गुजरात में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का नया नाम क्या हो गया तो इसे नया नाम क्या दिया है अस्मिता वुमेन्स लीग नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फोसिस हैज अपॉइंटेड विच फीमेल टेनिस प्लेयर एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसिडर तो अभी इन्फोसिस ने जो है किस टेनिस प्लेयर को किस फीमेल टेनिस प्लेयर को अपना ब्रांड एम्बेसिडर अपॉइंट किया आंसर इज ईगा स्वेटिक और ये किस किस कंट्री से बिलोंग करती हैं पोलैंड से नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर विल इंडिया फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर बी बिल्ट बाई नीति आयोग नीति आयोग के द्वारा जो इंडिया का पहला फिशरीज अटल इनक्यूबेशन सेंटर है ये सेंटर बनाया जाएगा केरल स्टेट में नेक्स्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च द फर्स्ट वाटर ए टू प्रोवाइड क्लीन वाटर इन वाटर स्कैर्स एरिया जहाँ पे देखिए पानी की कमी है पानी की कमी की जो एरियाज हैं वहाँ पे क्लीन वाटर प्रोवाइड कराने के लिए जो पहला वाटर एटीएम है इसे लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने अगला क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च एन एप्लीकेशन कॉल्ड थ्रेड टू कम्पीट विथ ट्विटर ट्विटर को टक्कर देने के लिए जो थ्रेड एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है मेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन टू चिल्ड्रन हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट रेल तो जो प्रोजेक्ट रेल है इसे शुरू किया है देखिए झारखंड सरकार ने मेन पर्पस क्या है कि बच्चों को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना इसमें देखिए जो आर ए आई एल रेल है इसकी फुल फॉर्म है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूवड लर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट डोमेस्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स कॉल्ड ओपन काइलिंग तो ओपन काइलिंग नाम से जो अपना डोमेस्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे लॉन्च किया है चाइना कंट्री ने चाइना के कैपिटल क्या है बीजिंग और करेंसी है रेनमिन भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 ट्वेंटी थ्री विच कंट्री हैज दी मोस्ट पावरफुल आर्मी इन दी वर्ल्ड दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली आर्मी है वो किस कंट्री की है अमेरिका की और इसमें इंडिया को रैंक कौन सी मिली है इंडिया इसमें है फोर्थ नंबर पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2023। तो विंबलडन ओपन में मेन सिंगल टाइटल जीता है स्पेन के कार्लोस एलकरास ने और वुमेन सिंगल की विनर रही चेक रिपब्लिक की मार्किता वोंद्रुसोवा नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ द यूएस नेवी यूएस नेवी की पहली फीमेल हेड कौन बनी है टी नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज लेड चंद्रयान थ्री मिशन तो चंद्रयान थ्री जो मिशन रहा था जो कि सक्सेसफुल मिशन रहा भारत का इस मिशन का नेतृत्व किसने किया द आंसर इज सी ऋतु करीधल ने विच कंट्री हैज द टाइटल ऑफ वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 सो so, वुमेन्स की जो अभी महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी रही ये ट्रॉफी जीती है किस कंट्री ने इंडिया ने हेज बीन ऑनर्ड विद द एजु थाचन अवॉर्ड इन दर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दो हजार तेईस में एजु थाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एस के वसंथन को अगला क्वेश्चन हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ सोमनाथ ट्रस्ट रिलेटेड टू द फेमस ज्योतिर्लिंग सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड इन गुजरात गुजरात में जो फेमस ज्योतिर्लिंग देखिए सोमनाथ मंदिर है उससे रिलेटेड जो सोमनाथ ट्रस्ट है अभी इस ट्रस्ट के चेयरमैन कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पाँच साल के लिए जो हैं इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन टीचर हैज बीन ऑनर्ड विद द विदीजियस ग्लोबल टीचर अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अभी देखिए किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो इनका नाम क्या है दीप नारायण नायक अगला क्वेश्चन है विच ऑथर ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन ऑनर्ड विद द ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है नंदिनी दास को अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज होस्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी समिट इन द ईयर 2023 2023 में विश्व के पहले एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की तो फ्रेंड्स इसकी मेजबानी की है ब्रिटेन ने नेक्स्ट क्वेश्चन बाई ट्वेंटी सिक्स राफेल एयरक्राफ्ट फॉर नेवी तो नेवी के लिए जो छब्बीस राफेल विमान है ये भारत किस देश से खरीदेगा तो so, इन्हें बाय करेगा भारत फ्रांस कंट्री से फ्रेंड्स जो हमारी ई e बुक है जनवरी टू जुलाई सेवन मंथ्स करंट अफेयर्स की इस ई e बुक को आप बाई कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से इसका लिंक हमने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर ई बुक्स भी यहाँ अवेलेबल है और ये सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूजफुल हैं अगला क्वेश्चन देखिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद तो जो काजिंद एक्सरसाइज है ये किन दो कंट्रीज के बीच में आयोजित हुई तो इसका आयोजन किया गया कजाकिस्तान एंड इंडिया के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु देखिये प्रेस्टिजियस बेलन डी ऑर अवॉर्ड फॉर द एट टाइम इन दर ट्वेंटी ट्वेंटी आठवीं बार जो फेमस बेलिन डी पुरस्कार है ये किसने जीता है तो फ्रेंड्स ये अवार्ड जीता है अर्जेंटीना के लियोनल मेस्सी ने अगला क्वेश्चन देखिए विच स्टेट और यूटी हैज स्टार्टेड रेड लाइट ऑन व्हीकल ऑफ कैंपेन इस कैंपेन को किसने शुरू किया है द आंसर इज दिल्ली गवर्नमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द होप इनिशिएटिव मिशन टू मेक द स्टेट कंप्लीटली ड्रग फ्री तो जो होप इनिशिएटिव है ये शुरू किया पंजाब गवर्नमेंट ने इस अभियान का मेन परपज क्या था कि स्टेट को कंप्लीटली ड्रग फ्री बनाना अगला क्वेश्चन है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बनी है Mazumdar, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बनी है अगला क्वेश्चन है विच इज बिकम इंडिया वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन जिसे अभी आईएसओ सर्टिफिकेट मिला तो आईएसओ के द्वारा प्रमाणित होने वाला इंडिया का पहला वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन कौन सा बना है तो ये है भोपाल भोपाल में और भोपाल मध्य प्रदेश में भुपाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस स्टेट के मरचा पेड़ी यानी मरचा धान को जीआई टैग मिला है तो ये प्रोडक्ट कहाँ से है बिहार स्टेट से अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट टू गिव फ्री वीजा टू सिटीजन ऑफ इंडिया रशिया चाइना मलेशिया जापान इंडोनेशिया एंड थाईलैंड तो ये सभी कंट्रीज यहाँ पे दी गई है इन कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं उनको फ्री वीजा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किसने किया है तो ये शुरू किया है श्रीलंका कंट्री ने नेक्स्ट क्वेश्चन हु इस दी ऑथर ऑफ द बुक टाइटल है इसका बुक का कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेट इंडियन माइंड तो बुक जो है इसके ऑथर कौन है के के गोपाल कृष्णन नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज अनवील्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल जे ट्वेंटी टू ये दुनिया की देखे सबसे पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल है और इसे अनवील किया है अभी रिसेंट किसने चाइना ने अगला क्वेश्चन है विच टू कंट्रीज हैव मेड एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कॉल्ड एटलांटिक डिक्लेरेशन टू प्रमोट इकोनॉमिक रिलेशन इकोनॉमिक रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए किन दो कंट्रीज़ के बीच में एक बहुत ही देखिए इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट को नाम किया दिया एटलांटिक डिक्लेरेशन ये हुआ अमेरिका और ब्रिटेन के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू विन इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड्स तो यह अवार्ड जीतने वाला इंडिया का पहला स्टेट बना है तेलंगाना अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रूटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023, ट्वेंटी थ्री विच इज दोस्ट ट्रस्टेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इंडिया की जो सबसे ट्रस्टेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है आंसर इज डी डी इंडिया अगला क्वेश्चन है किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी जेल का नाम बदलकर रिफॉर्मेशन होम यानी सुधार गृह कर दिया है तो सुधार गृह जो नाम दिया है वो किसने दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च बाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज़ तो नेशनल हाईवेज़ के विकास के लिए जो एन ने प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया उस प्लेटफॉर्म को नाम दिया है नॉलेज शेयरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा फेस्टिवल मनाया गया तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव मनाया गया उड़ीसा स्टेट में अगला क्वेश्चन है विच हैज बिकम द फर्स्ट फॉरन गवर्नमेंट टू यूज़ योगा टू प्रमोट टूरिज्म इन इट्स कंट्री अपने ही देश में देखिए योगा को या टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए योगा को यूज करने वाली जो पहली फॉरन गवर्नमेंट बनी वो कौन सी है आंसर इज ओमान अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है किसने हरियाणा गवर्नमेंट ने नेक्स्ट क्वेश्चन एन एच ई आई हैज लॉन्च विच सिटीजन सेंट्रिक इंटीग्रेटेड मोबाइल एप्लीकेशन टू एनहेंस हाईवे यूज़र एक्सपीरियंस तो हाईवे यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए एन एच ई आई ने जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की उसे नाम दिया है राजमार्ग यात्रा नेक्स्ट क्वेश्चन द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड द रीड एंड लाइव द कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन तो किस राज्य के राज्यपाल ने संविधान को पढ़ो और जियो अभियान को शुरू किया तो फ्रेंड्स इस अभियान को शुरू किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने अगला क्वेश्चन है कम्बोडिया के जो हैं नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं द आंसर इज हुन मैनेट ये कंबोडिया के फ्रेंड्स नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच विच इंडिजीनियसली डेवलप्ड वेपन लोकेटिंग रडार हैज़ बीन इंडक्टेड इन टू दी इंडियन आर्मी फॉर मॉनिटरिंग हाई एल्टीट्यूड एरियाज तो जितने भी देखें हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया हैं उनकी निगरानी रखने के लिए इंडियन आर्मी ने कौन सा इंडिजीनियसली डेवलप्ड वेपन जो है उसे शामिल किया है तो इसे नाम दिया है वेपन को स्वाति माउंटेन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी हैज द इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क एज द देंथ मेंबर कौन सी भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क की टेंथ मेंबर के रूप में ज्वाइन हुई है तो इसे ज्वाइन किया है अभी सीबीआई बी ने अगला क्वेश्चन है इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता सीता रामम ने नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसीज ल्यूना ट्वेंटी फाइव स्पेस हैज क्रैश्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून तो लूना ट्वेंटी फाइव स्पेस जो है ये रशिया की स्पेस एजेंसी रॉस्कोस मॉस ने लॉन्च किया था ये मून के देखिए साउथ पोल पर जाने वाला था लेकिन ये मून के सरफेस पर क्रैश हो गया अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाई गूगल एज दी हेड ऑफ पॉलिसी इन इंडिया तो गूगल ने जो है भारत में हेड ऑफ पॉलिसी किसे अपॉइंट किया है श्रीनिवास रेड्डी को अगला क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड की ट्वेंटी फिफ्थ डायरेक्टर जनरल कौन बनी है द आंसर इज राकेश पाल नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ हुआ द टाइटल ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो दिलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है ये टाइटल जीता है साउथ जोन ने नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू गेट द मिनिमम इनकम गारंटी बिल पास्ड इन असेंबली न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बना है राजस्थान नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑनर द मार्ट्रीस एंड फ्रीडम फाइटर्स एंड कंक्लूड द अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री

और सिंगल टाइटल की विनर रही हैं यूएसए की कोको गोफ द टैग ऑफ एडिबल एनिमल इन 2023। तो किस एनिमल को देखिए खाद्य पशु यानी एडिबल एनिमल का टैग मिला है तो ये है नॉर्थ ईस्ट का मिथुन वेयर हैज दंड्रेड एट फीट हाई स्टैचू ऑफ ग्रेट फिलोस आदि शंकराचार्य स्टैचू ऑफ वन बीन अनवील्ड तो आदि शंकराचार्य की जो स्टैचू है इसे नाम दिया है स्टैचू ऑफ वननेस और इस स्टैचू को अनवील किया गया ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में अगला क्वेश्चन है वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन ये फ्रेंड्स दुनिया का देखिए सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है इसे इनोग्रेट किया है मोदी जी ने और बात करें कि मोदी जी ने कहा पर किया है द्वारका न्यू दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम फर्स्ट फीमेल आर्मी सर्जन टू बिकम अ पैरा कमांडो पैरा कमांडो बनने वाली इंडिया की पहली फीमेल आर्मी सर्जन कौन बनी मेजर पायल छाबड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉन्ट द टाइटल ऑफ मिसिस यूनिवर्स इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब जीता है माधुरी पाटले ने नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज इन्वाइटेड By Prime Minister Modi ji as the chief guest for the Republic Day Parade 2024. So next सो नेक्स्ट है देखिए रिपब्लिक डे परेड के लिए मोदी जी ने मुख्य अतिथि के रूप में किन्हीं इनवाइट किया है तो इस बार इनवाइट किया है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को नेक्स्ट क्वेश्चन है नुआखाई फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया तो फ्रेंड्स ये मनाया गया उड़ीसा स्टेट में अगला क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट इंडिया का जो पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है ये फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है तो ये सेलिब्रेट हुआ है गोवा स्टेट में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हु हैज रिटर्न द नोवल जिसका नाम है वेस्टर्न लेन तो वेस्टर्न लेन नामक जो नोवेल है ये किसने लिखा है तो ऑथर कौन है इसके चेतना मारू नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज इंडिया फर्स्ट कार्टोग्राफिक म्यूजियम ओपनड इंडिया का पहला मानचित्र कला संग्रहालय जिसे कहते हैं इंग्लिश में कार्टोग्राफिक म्यूजियम कहाँ पर खुला है तो ये ओपन हुआ है फ्रेंड्स उत्तराखंड स्टेट के मसूरी में

तो फिडे जो वुमेन्स ग्रैंड स्विस हुआ ये टाइटल जीतने वाली पहली इंडियन फीमेल प्लेयर कौन बनी आर वैशाली और आर वैशाली प्रोजेक्ट कुशा टू प्रोवाइड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम टू द इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स को लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए प्रोजेक्ट कुशा को किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है डी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अगला क्वेश्चन है आरबीआई ने अपना नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया है आंसर इज मनोरंजन मिश्रा को नेक्स्ट क्वेश्चन विच एग्रीमेंट हैज बीन मेड इन द फर्स्ट एआई सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पहला एआई सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कौन सा दिखे एग्रीमेंट समझौता किया गया तो उस एग्रीमेंट को नाम क्या दिया है ब्लेचली चिली या हिंदी में बोले तो ब्लेचली घोषणा पत्र नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंश्योरेंस कंपनी विल एक्वायर 51 वन परसेंट स्टेक इन कोटक जनरल इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ फोर करोड़ रुपीज कौन सी इंश्योरेंस कंपनी कोटक जनरल इंश्योरेंस में निवेश के साथ फिफ्टी परसेंट फिफ्टी वन परसेंट की जो आ, स्टेक है उसको एक्वायर करेगी तो ये है ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी जो कि स्विट्जरलैंड की है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार अवार्ड ऑफ इंडियन सिनेमा भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है कार्तिक आर्यन को नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है विच प्लेटफॉर्म हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च फॉर द यूथ ऑफ इंडिया ऑन नेशनल यूनिटी डे तो यह नेशनल यूनिटी फेंड थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिवस पर तो इसी दिन यूथ के लिए मोदी जी ने एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था और इस प्लेटफॉर्म को नाम किया दिया था मेरा युवा भारत नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लाइंग टैक्सी ई एच टू हंड्रेड सिक्सटीन एस ये दुनिया की पहली ऊने वाली टैक्सी है और इसे अप्रूवल किसने दिया है चाइना कंट्री ने अगला क्वेश्चन है इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देखिए बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारी इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे और इस बार इनकी वन फोर्टी एट्थ बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई अगला क्वेश्चन है माई फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट मेरा होंगचुंगवा जो फेस्टिवल है ये फेस्टिवल मनाया गया है कहाँ पे मणिपुर स्टेट में नेक्स्ट क्वेश्चन वेन इज वर्ल्ड पोलियो डे 2023 सेलिब्रेटेड फ्रेंड्स बात करते हैं विश्व पोलियो दिवस की तो ये सेलिब्रेट कब किया गया आंसर इज 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड पोलियो डे टीम इसकी रही अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच ईयर हैज इंडिया सेट टारगेट ऑफ सेंडिंग द फर्स्ट इंडियन टू द मून। इंडिया ने जो है मतलब कब तक का टारगेट सेट किया है पहले इंडियन को मून तक भेजने के लिए तो यह टारगेट रखा है 2040 तक नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डोम ट्रेन सर्विस बीन स्टार्टेड डोम ट्रेन सेवा कहाँ शुरू की गई तो शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ब्रिंग द एम्प्लॉय वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट और कमीशन विद इन द एम्बिट ऑफ मिनिमम वेजेस तो कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले एम्प्लॉयज को मिनिमम वेजेस के दायरे में लाने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बना आंसर झारखंड अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च एजुकेशन एप्लीकेशन जे गुरुजी फॉर स्कूल चिल्ड्रन स्कूली बच्चों के लिए जो ऑनलाइन एजुकेशन एप्लीकेशन है जे गुरु इसे लॉन्च किया है किसने झारखंड स्टेट ने नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ इनाग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबल्ड पीपल अटल बिहारी वाजपेई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर सो अटल बिहारी वाजपेयी जो स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है इस सेंटर का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे ग्वालियर मध्य प्रदेश में अगला क्वेश्चन है तो इलेवेंथ एडिशन ऑफ एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति हैज बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री संप्रीति जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है सही आंसर है यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच हमारी जो ईयरली बुक e है जनवरी टू जुलाई ईयरली सेवन मंथ्स वाली है ये और ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट से जिसका लिंक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इंडियन अवार्ड जीतने वाली या रिसीव करने वाली पहली वुमेन कौन बनी द आंसर इज द सुधा मूर्ति नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट हैजनाउंसड थर्टी फाइव परसेंट रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब्स में महिलाओं के लिए 35 फाइव परसेंट रिजर्वेशन के अनाउंसमेंट किस स्टेट गवर्नमेंट ने की तो यहाँ पे सही आंसर है मध्य प्रदेश अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कलारी डिश ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज बिन ग्रांटेड जीआई टैग किस राज्य यूटी के कलारी व्यंजन को जीआई टैग प्रदान किया गया है तो ये डिश है जम्मू कश्मीर की हु हैज रिटर्न द बुक टाइटल्ड द रिवर्स स्विंग में टू कोऑपरेशन तो ये बुक किसने लिखी है इसके ऑथर हैं अशोक टंडन नेक्स्ट क्वेश्चन द फेमस स्वीट जिसका नाम क्या है रश बली ऑफ केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज गॉट जीआई टैग तो ये फेमस स्वीट है उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट की जिसे अभी मिला है जीआई टैग Which university has launched the first open access Hindi course Climate Solution in collaboration with the Indian Consultate in the United Kingdom? तो so, किस university ने इसे शुरू किया है? तो अपना पहला open access Hindi course शुरू किया है University of Edinburgh ने, जो कि कहाँ पे है? Scotland में। अगला क्वेश्चन है, Which स्टेट हैज won the title of 13th Hockey India Sub Junior Men National Championship? सो थर्टींथ हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये टाइटल जीता है उत्तर प्रदेश की टीम ने और इसका वेन्यू कहाँ पे था उड़ीसा अगला क्वेश्चन है किस स्टेट ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना को स्टार्ट किया है इस योजना का मेन पर्पज था फार्मर्स जो हैं उनको फाइनेंशियली मदद करना और इस योजना को शुरू किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज बीन द न्यू नेम ऑफ वर्सोवा सी रूट इन मुंबई मुंबई में जो वांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग है इसका नाम बदलकर रखा गया है स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज नेक्स्ट क्वेश्चन हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का टाइटल किस कंट्री ने जीता द आंसर इज इंडिया और इसका वेन्यू कहाँ पे था सलाला ओमान नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ विड्रॉ इट्स मेंबरशिप फ्रॉम द यूएस एस लेट मेरी अलाइंस तो यूएस के नेतृत्व वाला जो मेरीटाइम अलायंस है इसके इससे अपनी मेंबरशिप विड्रॉ किसने कर ली है आंसर इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंस्टीट्यूट हैज स्टॉप द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ट्वेंटी फॉर द फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर लगातार पाँचवें साल भी इसमें टॉप पर रहा है आई मद्रास नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री विल होस्ट द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड कंजरवेशन कांग्रेस इन 2025 थाउजेंड ट्वेंटी फाइव दो हजार पच्चीस में प्रस्टीजियस वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो इसे होस्ट करेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च मातृभूमि योजना टू रिकनेक्ट पीपल वर्किंग इन सिटीज और अब्रॉड विद देयर विलेजेस तो मातृभूमि योजना को शुरू किया है अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो देखिए जो सिटीज और अब्रॉड में काम करने वाले लोग हैं उनको अपने विलेजेस से फिर से कनेक्ट करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यू एन जी ए के सेवेंटी एट्थ सेशन के प्रेजिडेंट कौन बने हैं आंसर इज डेनिस फ्रांसिस अगला क्वेश्चन है स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ लार्ज स्टेट इन द फिफ्थ स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स तो लार्ज स्टेट बड़े राज्यों की सूची की बात करें तो केरल रहा इसमें नंबर वन पे और अगर हम स्मॉल स्टेट्स की बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है गोवा स्टेट ने नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज हेज वन मेन सिंगल टाइटल इन बैडमिंटन टूर्नामेंट थाईलैंड ओपन ट्वेंटी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेन सिंगल टाइटल जीता थाईलैंड के कुलावुतान ने और वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है साउथ कोरिया की आन से यंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड नालंदा पब्लिश बाय पेंगुइन रेंडम हाउस इंडिया तो नालंदा बुक के ऑथर कौन है ये बुक लिखी है अभय के ने नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द फर्स्ट न्यू जनरेशन स्टार वी टू मिनी सैटेलाइट किस स्पेस एजेंसी ने पहली नई जनरेशन स्टार लिंक सेटेलाइट जिसका नाम है वी टू मिनी को लॉन्च किया है तो इसे लॉन्च किया है स्पेस एक्स कंपनी ने नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हैज साइन एंड एग्रीमेंट ऑफ फोर्टी थ्री थाउजेंड करोड़ रुपीज विद कंट्रीज सम मरीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और कंपनी का नाम है थिसेन क्रूप मरीन सिस्टम तो सम्बर कंस्ट्रक्शन के लिए देखिए ये एग्रीमेंट साइन किया है और इंडिया ने इसे जर्मनी की कंपनी थिसेन क्रोप मरीन सिस्टम के साथ में मिलकर साइन किया अगला क्वेश्चन है विश टीम हैज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल इन हजार तेईस में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता ये टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने इसमें रनर अप टीम रही थी इंडिया और इसका वेन्यू कहाँ पे था द ओवल इंग्लैंड अगला क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज साइन अ लोन एग्रीमेंट ऑफ वन थर्टी मिलियन डॉलर विद विच इंस्टीट्यूशन टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश के जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किसके साथ किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच लॉ हैज सेंट्रल गवर्नमेंट बैन मोर देन 150 फिफ्टी एंटी इंडिया वेबसाइट यूट्यूब चैनल इन लास्ट टू ईयर्स तो केंद्र सरकार ने किस लॉ के तहत पिछले दो सालों में 150 से भी ज़्यादा जो चैनल्स हैं जैसे कुछ ऐसे एंटी इंडिया वेबसाइट्स थी कुछ यूट्यूब चैनल्स थे जिनको बैन किया तो so, किस एक्ट के तहत या किस लॉ के तहत इन्हें बैन किया है तो ये है आईटी एक्ट का जो सेक्शन सिक्सटी ए है उसके तहत इन्हें बैन किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ विच स्टेट अ मंथली पेंशन ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड टू पद्म अवार्ड विनर्स ऑफ द स्टेट किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टेट के जो पद्म अवार्ड विनर्स हैं उन्हें दस हजार रुपये की मंथली मन्त, पेंशन देने की अनाउंसमेंट की तो ये घोषणा की है हरियाणा गवर्नमेंट ने अगला क्वेश्चन है विच आई आई टी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इंजन दैट रनस विदाउट डीजल बिना डीजल से चलने वाला ये इंडिया का पहला मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इंजन है और इसे तैयार किया है आई आई टी कानपुर ने अगला क्वेश्चन है पहला खेलो इंडिया ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया तो इसका आयोजन किया भुवनेश्वर उड़ीसा में नेक्स्ट क्वेश्चन विच राइटर हैज़ वॉन द एलिजाबेथ लॉन्ग फोर्ड अवार्ड इन द ईयर 2023 किस लेखक ने ये अवार्ड जीता तो फ्रेंड्स ये अवार्ड जीता है रामचंद्र गुहानी नेक्स्ट है द थर्ड शिप ऑफ द एंटी सम्बरीन वॉरफेयर शेलो क्राफ्ट प्रोजेक्ट आई एन एस अंजदीप हैज़ बीन लॉन्च एट दी कट्टू इन चेन्नई किस कंपनी ने इस शिप को बिल्ट किया है तो इसे बिल्ड किया है जी आर एस सी कंपनी ने नेक्स्ट है वेयर हैज़ सी जी एस आई डिस्कवर्ड इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल आर्क फॉर्म्ड 184 मिलियन ईयर्स एगो ये तो देखिए नेचुरल आर्क है ये एक मिलियन वर्ष पहले का है और इसकी अभी खोज कहाँ की गई सुंदरगढ़ उड़ीसा में नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ लॉन्चिंग 41 वन सेटेलाइट स्पेस फ्रॉम अ सिंगल रॉकेट अंडर द साइलेंट बार्कर प्रोजेक्ट एक ही रॉकेट से 41 वन सेटेलाइट को लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है किसने चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हैज़ द इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज ओशियन रिंग ऑफ योगा भारतीय नौसेना ने ओशियन रिंग ऑफ योगा का आयोजन कहां पे किया इंडियन ओशियन में अगला क्वेश्चन है बिकम द न्यू फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड तो जो ईस्टर्न नेवल कमांड है उसके नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं आंसर राजेश पिंडारकर नेक्स्ट क्वेश्चन हु इंट्रोड्यूस द बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन बिल 2023 ट्वेंटी पास इन दोकसभा लोकसभा लोकसभा में इस बिल को देखिए किसने पेश किया था तो इसे इंट्रोड्यूस किया था नित्यानंद राय ने जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे स्टेट फॉर होम यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अगला क्वेश्चन है इंडियन आर्मी हैज इम्प्लीमेंटेड कॉमन यूनिफॉर्म फॉर ऑफिसर ऑफ रैंक एंड अब भारतीय जो आर्मी है उन्होंने किस रैंक या उससे अबव के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक कॉमन यूनिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया तो ये किया गया है ब्रिगेडियर अगला क्वेश्चन है ताइवानिज कंपनी फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ने अभी एक डील साइन की है 1600 करोड़ रुपीस की किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ और ये डील साइन क्यों की गई है टू सेटअप अ मोबाइल पार्ट्स प्लांट इन इंडिया इंडिया में मोबाइल पार्ट्स का प्लांट लगाने के लिए तो ताइवानीज कंपनी फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ने डील साइन की है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ अगला क्वेश्चन है वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री बी स्टेबलाइज इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री को सेटअप किया जाएगा जमशेदपुर झारखंड में द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हेज़ मर्ज प्रोजेक्ट टाइगर विद डैश तो मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर को मर्ज कर दिया है किसके साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ अकॉर्डिंग टू अर स्टडी कंडक्टेड बाय वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जूलॉजी वेयर इज पार्क चे ग्लेशियर मेल्टिंग रैपिडली कहाँ का पारकाची ग्लेशियर बहुत जल्दी से मेल्ट हो रहा है तो ये कहां है लद्दाख में अगला क्वेश्चन है, है? स्टेट द लिस्ट ऑफ स्टेट विद द नंबर ऑफ बिलेनियर एमएलएज। सबसे ज्यादा अरबपति विधायकों वाली सूची में नंबर वन पे कौन सा स्टेट है कर्नाटका अगला क्वेश्चन है वेयर हैज एविडेंस ऑफ पोट्री ऑफ महाभारता पीरियड बीन फाउंड फ्रॉम द हिस्टोरिकल कर्णकोट माउंट कहाँ के ऐतिहासिक कर्ण को टीले से महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं तो ये एविडेंस मिले हैं फतेहाबाद हरियाणा में नेक्स्ट क्वेश्चन विच मिशन द डिजिटल वर्क ऑफ थर्टी थाउजेंड आर्टिस्ट ऑन द मून थर्टी थाउजेंड आर्टिस्ट की जो डिजिटल वर्क हैं उनको मून पर स्टोर करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है तो मिशन का नाम है ल्यूनर कोडेक्स मिशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द न्यू आयुष वीजा फॉर फॉरन ट्रेवलर्स कमिंग टू इंडिया फॉर ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट तो न्यू आयुष वीजा जो है इसे इंट्रोड्यूस किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द कैबिनेट सेक्रेटरी हु हैज़ हेल्ड द पोस्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडिया की हिस्ट्री में सबसे लंबे समय तक पद संभालने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बने हैं आंसर इज राजीव गौबा डिटेक्शन नेम्ड निराक्षी निराक्षी जो है ये अंडर वाटर जो माइंस हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इसे लॉन्च किया है और इसे लॉन्च किया है जी आर एस ए कंपनी ने अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन टू वॉट न्यू नेम तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको नया नाम दिया है हिम क्राफ्ट कॉरपोरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन इज वर्ल्ड ट्राइबल डे 2023 सेलिब्रेटेड तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है नाइन्थ अगस्त को इसकी थीम रही इंडिजीनियस यूथ एस एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट पोस्ट पार्टम डिप्रेशन प्रिवेंशन पिल इसका नाम है ज़ुज़ुर्व फॉर वुमेन तो जो जुजर्व पिल है ये दुनिया की पहली पोस्ट पार्टम डिप्रेशन प्रिवेंशन पिल है और इस पिल को अप्रूवल दिया है अमेरिका कंट्री ने नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड आर पी तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अगला क्वेश्चन है किस एयरलाइन कंपनी ने अपना नया लोगो विस्ता लॉन्च किया है विस्ता नाम से नया लोगो लॉन्च किया है एयर इंडिया कंपनी ने नेक्स्ट क्वेश्चन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए एम डी कौन बने हैं आंसर इज अमित झिंगरन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो हैज लॉन्च आदित्य एलवन मिशन टू तो ऑब्जर्व द सन एंड सोलर कोरोना विद विच रॉकेट तो जो आदित्य एलवन मिशन है इसका मेन पर्पस था सन और सोलर कोरोना की स्टडी करना और इसरो ने इसे लॉन्च किया पीएसएलवी XL C57 रॉकेट से अगला क्वेश्चन है इंडिया का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनाया जाएगा तो इसे बनाया जाएगा उज्जैन मध्य प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवील्ड आईएनएस विद्यांगिरी जो कि सिक्स्थ शिप है प्रोजेक्ट सिफ 17A फ्रिगेट का आई एन एस का अनावरण कहा किसने किया है जी आर लेटेस्ट ड्रोन हैज बीन इंडक्टेड बाय द इंडियन एयर फोर्स टू कीप एन आई ऑन बॉर्डर्स बॉर्डर्स पर नजर रखने के लिए इंडियन एयर फोर्स ने जो लेटेस्ट ड्रोन को इंडक्ट किया उसका नाम है हीरोन मार्क टू नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज द टाइटल ऑफ सिक्स नेहरू ट्रॉफी बोट रेस तो ये रेस जीती है वियापुरम चंदन बोट क्लब ने अगला क्वेश्चन नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च विच वेराइटी ऑफ नेशनल फ्लॉर लोटस तो अभी देखिए इन्होंने लोटस की कौन सी नई वैरायटी जो है लॉन्च की उसे नाम दिया है नमो वन जीरो एट नेक्स्ट क्वेश्चन बाय व्हाट नेम हैज एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड लॉन्च इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर किस नाम से भारत की पहली लंबी दूरी के रिवॉल्वर लॉन्च की है तो इस रिवॉल्वर को नाम दिया है प्रबल नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज फाउंडेशन स्टोन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट डेस्टिनेशन प्लांट बींग लेड तो इस प्लांट की आधारशिला रखी गई पेरोड तमिलनाडु में नेक्स्ट है व्हाट गिफ्ट हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्रेजेंटेड टू द ब्रिक्स लीडर्स ड्यूरिंग द फिफ्टींथ ब्रिक्स सामेट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पंद्रह देखिए जो ब्रिक्स सामेट हुआ था उसमें ब्रिक्स लीडर को मोदी जी ने कौन कौन से गिफ्ट दिए बिदरी सुराही नागालैंड शॉल एंड गोंड पेंटिंग अच्छा ब्रिक्स में देखिए पांच अभी कंट्रीज हैं ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका नेक्स्ट ईयर इसमें कुछ और कंट्रीज एड ऑन होने वाली हैं 2024 में हु हैज लॉन्च द रिपोर्ट फिश डिसन टू डिजिटलाइज द फिशरीज सेक्टर तो जो रिपोर्ट फिश डिज एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर परशोत्तम रूपाला ने अगला क्वेश्चन है अमेरिकन चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने किस इंडियन स्टेट के साथ एमयू साइन किया ये एमयू साइन हुआ है इंडिया में पहला सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए और इसके लिए मिरकॉन टेक्नोलॉजी ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एम साइन किया है नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ बिकम द मेन जर्सी स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन प्लेस ऑफ बाइजू तो बाइजू की जगह अब मेन जर्सी स्पॉन्सर कौन सी टीम बन गई है ड्रीम इलेवन नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल पद पर री कौन हुए हैं फिर से कौन अपॉइंट हुए हैं आंसर इज क्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विल बिकम द फर्स्ट अर्बन बॉडी इन इंडिया टू गेट फॉर रिसाइकलिंग सिंगल प्लास्टिक तो सिंगल प्लास्टिक के रिसाइकलिंग करने पर प्राप्त करने वाला भारत का पहला अर्बन बॉडी कौन सा बनेगा इंदौर वेयर हैज होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटली रन सैनिक स्कूल भारत का जो पहले कॉपरेटिव रन सैनिक स्कूल है इसकी आधारशिला अमित शाह ने कहाँ रखी है महसाना गुजरात में नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज नेम्ड अ माइनर प्लेनेट आफ्टर विच इंडियन एस्ट्रोनॉमर तो किस इंडियन एस्ट्रोनॉमर के नाम पर इस माइनर प्लेनेट का नाम रखा है तो इसका नाम रखा गया है अश्विन शेखर के नाम पर अगला क्वेश्चन है विच इज बिकम द फर्स्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऑफ इंडिया टू रिसीव एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट तो ये सर्टिफिकेट पाने वाला पहला जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बना वो है ओ नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी फोर्थ बायोलॉजी ओलंपियाड की मेडल टेबल में किस कंट्री ने टॉप किया तो इसमें टॉप किया इंडिया ने और इसका वेन्यू कहाँ पे था अल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में नेक्स्ट हैज लॉन्च मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन फॉर मोबाइल बेस्ड डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है जम्मू कश्मीर ने अगला है विच एज बिकम द फिफ्टी फर्स्ट कंट्री टू जॉइन द ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन ऑफ एशियान ऑर्गेनाइजेशन एशियान संगठन के मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने वाला फिफ्टी फर्स्ट कंट्री कौन सा बना तो ये बना है फ्रेंड्स सऊदी अरेबिया तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे आज के टू हंड्रेड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं अब बात करते हैं टेस्ट की तो पहला क्वेश्चन है आज का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाइन्थ परमानेंट मेंबर कौन सा बना और सेकंड क्वेश्चन है इसरो ने जो आदित्य एल्वन मिशन लॉन्च किया है वो किस रॉकेट से लॉन्च किया सो so फ्रेंड्स आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी के साथ फ्रेंड्स आज की जो मैराथन क्लास है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो